अरे तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया हो गए और तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद आवर न्यू लेक्चर ऑफ सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर वन। और आज अपन कर रहे हैं स्टडी नोट नंबर वन और ये है उसका पार्ट नंबर फोर, जहां आज अपन देखने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जैसा कि तुमको हेडिंग में दिख रहा होगा, ये जो मेन हेडिंग है अपनी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स यानी बहुत सारे जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमिक्स के, वो अपन देखने वाले हैं। तो कुछ 12-13 टॉपिक्स आपके जो स्टडी नोट है उसमें दिया हुआ है, जिसमें से अपन आज आधे देखेंगे और आधा अपन कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जल्दी से देखते हैं अपन अपना पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज वेल्थ। ठीक है, तो वेल्थ का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब क्या होता है, ये चीज अपन अभी देखेंगे। तो वेल्थ मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन और अ नेशन इज कॉल्ड वेल्थ। ठीक है, वेल्थ मतलब क्या हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स यानी कुछ सामान है जिसके स्टॉक को अपन क्या बोलेंगे, वेल्थ बोलेंगे। ठीक है, वो गुड्स क्या होने चाहिए, उनकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए। वो गुड्स क्या होने चाहिए, स्केयर होनी चाहिए। सर गुड्स मतलब क्या, गुड्स यानी कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन वॉन्ट को सेटिस्फाई कर सके, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। उसी गुड्स के स्टॉक को यानी उसी गुड्स के भंडार को क्या बोलेंगे, वेल्थ बोलेंगे। अब ये जो वेल्थ है ना भैया, दो टाइप की होती है, एक होती है पर्सनल वेल्थ, एक होती है नेशनल वेल्थ। क्या, एक होती है पर्सनल वेल्थ, एक होती है नेशनल वेल्थ। पर्सनल वेल्थ मतलब, तो वेल्थ का मीनिंग ही अपना यहां पे सिंपल है, ओनरशिप। ठीक है, पर्सनल वेल्थ मतलब क्या, ओनरशिप ऑफ अ पर्सन यानी किसी पर्सन के अंडर में जो भी उसके पास गुड्स है वो क्या हो गई, उसकी पर्सनल वेल्थ हो गई। लाइकवाइज किसी कंट्री के पास, किसी नेशन के पास जो भी उनके पास स्टॉक ऑफ गुड्स पड़ा है वो क्या हो गई, नेशन की वेल्थ हो गई, नेशनल वेल्थ हो गई। एकदम सिंपल यही मीनिंग है इसका। देख लो, पर्सनल वेल्थ, द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाउसेस, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मनी इन कैश, कंपनी के शेयर, स्टॉक ऑफ अदर कमोडिटीज एक्सेट्रा। फिर आगे बोल रहा है, हेल्थ एंड गुडविल एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ, बट इन इकोनॉमिक्स ओनली ट्रांसफरेबल गुड्स आर कंसिडर्ड एज वेल्थ। ठीक है, मैंने ऊपर बताया चीजों जो स्केयर है, ठीक है, ऐसे गुड्स जो क्या है, स्केयर है, जिनकी मार्केट में वैल्यू है, जो इजी ट्रांसफरेबल है, ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। इन्हीं गुड्स के स्टॉक को क्या बोल देते हैं, वेल्थ बोल देते हैं। ठीक है, वेल्थ यानी क्या, किसी की ओनरशिप है स्टॉक ऑफ गुड्स के ऊपर। तो किसी पर्सन की ओनरशिप है किसी स्टॉक ऑफ गुड्स के ऊपर तो वो क्या हो गई, उसकी पर्सनल वेल्थ। जैसे ये पेन है, इसकी ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास है, तो ये क्या हो गई, मेरी पर्सनल वेल्थ हो गई एक तरीके से। ठीक वैसे ही नेशनल वेल्थ, स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड क्या, नेशनल वेल्थ। किसी भी कंट्री के पास जो भी उसके स्टॉक ऑफ गुड्स है, जो भी उसके रिसोर्सेज है, कहां जाएंगे, नेशनल वेल्थ के अंदर आ जाएंगे। इट इंक्लूड्स वेल्थ दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सिटीजंस इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज, रोड, पार्क, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल हो गया, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। इफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री होल्ड्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड, इट इज पर्सनल वेल्थ, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लाइबिलिटी। ठीक है, सरकार, आपको पता होगा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा है, बॉन्ड्स वगैरह भी इशू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है। तो वो क्या है, वो अगर किसी इंडिविजुअल के पास है तो वो उसकी पर्सनल वेल्थ में काउंट होगा, ना कि नेशनल वेल्थ में। ठीक है, वो उसकी पर्सनल वेल्थ में काउंट होगा, ना कि नेशनल वेल्थ में। सर समझ नहीं आ रहा, देखो नेशनल वेल्थ मतलब क्या बोल रहा है, ओनरशिप ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब एक नेशन में जो नेशन की ओनरशिप है, तो नेशन में क्या सारी चीजें आ गई, नेचुरल रिसोर्सेज, रोड, पार्क वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह। ठीक है, इफ अ सिटीजन होल्ड्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड इट इज इट्स पर्सनल वेल्थ। यानी जो भी सारी चीजें जो कंट्री के अंदर आ रही है वो क्या हो गई, उसकी वेल्थ हो गई, इंक्लूडिंग द पीपल। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं किसी भी कंट्री के। बट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उस ह्यूमन रिसोर्सेज के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो वो उसकी पर्सनल वेल्थ है, ना कि नेशनल वेल्थ है। क्यों, क्योंकि नेशन के लिए, कंट्री के लिए, कंट्री की गवर्नमेंट के लिए वो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, उनके लिए एक लाइबिलिटी हो जाएंगी, उनको रिटर्न करना, इसीलिए वो नेशनल वेल्थ के अंदर नहीं आएगा। सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। सिंपल हो गया, क्लियर? हाँ जी सर। थर्ड इसी में टॉपिक है, सब टॉपिक अपना वेल्थ एंड वेलफेयर। आप लोगों को ध्यान होगा, फर्स्ट लेक्चर में जब अपन देख रहे थे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको मैंने बोला था कि इवोल्यूशन है या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है या डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें सबसे पहले अपन देखे थे वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, फिर देखे थे अपन ने वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। बस उसी को मिला जुला के यहाँ पे बता रहा है क्या, कि वेलफेयर मीन्स वेलबींग। ठीक है, वेलफेयर मतलब क्या, वेलबींग, अपने सबको पता है। इन जनरल इफ वेल्थ इंक्रीजेस वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं, अगर वेल्थ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वेलफेयर भी बढ़ेगा। यानी रोड जैसे बढ़ रही है, रोड क्या है, वेल्थ के अंदर है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स किसके अंदर आ रहे हैं, वेल्थ के अंदर आ रहे हैं। तो ये सब रोड बन रही है, इससे क्या होगा, लोगों को फायदा होगा, आने जाने में उनका टाइम बचेगा। स्कूल्स हो जाएंगी तो बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फिर उसके बाद हॉस्पिटल, तो इंडिया क्या है, हेल्दी रहेगा, हेल्दी पर्सन ज्यादा लंबे समय के लिए मोर इफेक्टिवली काम कर सकता है, रेदर देन कोई जो इल पर्सन है या वीक पर्सन है उससे। तो क्या मतलब यहां से निकल के आ रहा है, कि जितनी ज्यादा हमारी वेल्थ होगी उतनी ज्यादा वेलफेयर होगी, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन अपन देखने वाले। इफ अ नेशन गोज ऑन क्रिएटिंग वेल्थ विदाउट पेइंग एनी कंसिडरेशन टू द हेल्थ एंड
मेंटल पीस ऑफ सिटीजन, इट इज डाउटफुल वेदर द वेलफेयर इंक्रीजेज और नॉट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप लोगों के हेल्थ और मेंटल स्टेटस का ध्यान नहीं रखेंगे और रोड ब्रिजेस वगैरह बनाते रहोगे तो उससे नेशन का जो डेवलपमेंट है, जो वेलफेयर है नेशन का, यानी नेशन के लोगों का जो वेलफेयर है वो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? आप रोड बना दिए, ठीक है, एक गाँव में आपने रोड तो बना दी, बट वहाँ के जो लोग हैं उनके बॉडी में जान ही नहीं है कि वो साइकिल या गाड़ी चला सके, या उनकी मेंटल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो गाड़ी चला सके या चारों चीजों को समझ सके, ट्रैफिक सिग्नल है, रोड साइंस है, कैसे गाड़ी चलाना है, सेंस ही नहीं उनके पास। तो क्या वो रोड बनाने का मतलब हुआ? नहीं, आपका पैसा खर्चा हुआ, एक एसेट क्रिएट हो गई, बट जब तक वो एसेट से आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो वो एसेट हुई क्या? नहीं हुई। वैसे ही दूसरा, इफ द वेल्थ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली इट इज ऑल्सो डाउटफुल वेदर वेलफेयर इनक्रीजेस। अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं यानी करप्शन है, ठीक है, बीच में घपलेबाजी हो रही है, तो भी क्या होगा, सिर्फ कुछ लोगों का फायदा होगा बट नेशन एज अ होल का फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर वेल्थ बढ़ रही है नेशन की तो वेलफेयर भी हो। दो ऐसे रीजन यहाँ पे दिए कि अगर हेल्थ और मेंटल स्टेटस पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे वेलफेयर नहीं होने वाला है। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मनी। ओके, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? वेल्थ अपन ने देखा इसके पहले, अब अपन देखने वाले हैं मनी, ठीक है। तो भैया मनी क्या है? आपने ऑलरेडी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है कि मनी यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे अपन गुड्स को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मनी क्या है? करेंसी नोट है या कॉइन्स है जिसकी क्या है, एक मॉनेटरी वैल्यू है, जो क्या करता है, अपने को हमारे डेट्स को सेटल करने में हेल्प करता है, इससे अपन फ्यूचर में भी पेमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारी चीजें अपन ने देखी थी मनी के रिगार्डिंग, सेम वही चीज यहाँ पे भी। एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सेटिंग डेट्स इज रिगार्डेड एज मनी। मनी के पहले आप सभी को पता होगा बार्टर सिस्टम चलता था, जहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स, कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, जिसको सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता था, बट उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जिसको इन डिटेल अपन स्टडी करेंगे आपके मनी वाले स्टडी नोट में। यहां पे बस अपन इतना डिस्कशन यहीं तक रखेंगे। व्हेन सम कमोडिटीज आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय कस्टम, इट इज कॉल्ड कस्टमरी मनी। फॉर एग्जांपल यहां पे आप पढ़ सकते हो, अपन आगे आएंगे मनी के कॉन्स्टिट्यूएंट में। मनी मतलब क्या? रूपी नोट्स एंड कॉइन, क्रेडिट कार्ड्स और ट्रैवलर चेक, इसको अपन क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई के ये कंपोनेंट्स है। आगे मार्केट, तो मार्केट मतलब क्या होता है? बाजार। बाजार यानी कोई भी ऐसी चीज जहां पे बायर और सेलर आके मिलते हैं और वो अपने बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं। ये क्या हो गया? जनरल लैंग्वेज में हो गया मार्केट का मीनिंग, बट इकोनॉमिक्स में क्या है? तो इन इकोनॉमिक्स इट रिफर्स टू अ सिस्टम बाय विच द बायर्स एंड सेलर एस्टैब्लिश अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विद द पॉइंट ऑफ परचेजिंग और सेलिंग अ कमोडिटी, ठीक है। एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बायर और सेलर के बीच में, जिससे वो आपस में ट्रांजेक्शन कर पाए, उस कनेक्शन को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। मार्केट के लिए कोई भी फिजिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है आजकल के टाइम में, ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन हो जाता है, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। अगेन मार्केट के बारे में अगेन डिटेल एक आपका स्टडी नोट यहाँ पे है, जिसमें मार्केट क्या है, कितने टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, सब अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, थोड़ा सा देखोगे इजीली मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मार्केट के फंक्शन क्या है? तो डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ गुड्स, गुड्स के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है? मार्केट पे लगता है। दूसरा, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, यहाँ पे अपन बात करें प्राइस के बारे में, यहाँ बात करें क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी सप्लाई के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आगे मार्केट मैकेनिज्म, तो मार्केट मैकेनिज्म मींस द टोटलिटी ऑफ ऑल मार्केट, दैट इज द मार्केट्स, द मार्केट मैकेनिज्म डिटरमाइंस द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट मैकेनिज्म मतलब सारे मार्केट टोटलिटी में, ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल मार्केट के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे अपन सारे मार्केट के बारे में। जैसे आप देखोगे कि फोन का एक अलग मार्केट है, लैपटॉप का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बोल दूं अलग मार्केट है, रियल एस्टेट का अलग मार्केट है, क्लोथ्स अपैरल इनका एक अलग मार्केट है। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं, अपन सारे मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया? मार्केट मैकेनिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया समझ में सर। आगे बढ़ते हैं अपन कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में रीड करेंगे, और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आगे के टॉपिक जो भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे उसको। अभी समझो कैपिटल स्टॉक क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है ना, देख रहे हो यहाँ पे बीच में एंड है, दो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कैपिटल स्टॉक और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं तो इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट इज द इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक, मतलब कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना, इंक्रीमेंट मतलब क्या? बढ़ाना, वही क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो सर कैपिटल स्टॉक क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे कैपिटल स्टॉक को बढ़ा रही है, तो कैपिटल स्टॉक मतलब क्या हुआ? तो बड़ा ही सिंपल है, कैपिटल स्टॉक मतलब कैपिटल स्टॉक इंडिकेट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में आपकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी क्या है, ये क्या हो गया आपका? कैपिटल स्टॉक। उसी में आप इंक्रीमेंट करते जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट होते जाएगा। जैसे ऊपर बढ़िया से एग्जांपल है, सपोज अगर हमारे पास एक टैंक है, पानी का टैंक है, जिसमें अपन कंटिन्यू जो है
पानी डालते जा रहे हैं नल की मदद से विद द हेल्प ऑफ टैप. इफ द टैप इज टर्न ऑन द वॉटर विल फ्लो इन द टैंक एंड द वॉटर लेवल इन द टैंक विल इंक्रीज. इफ वी आर परमिटेड टू ड्रॉ सिमिलरली देन द वॉटर इन द टैंक कैन बी कंपेयर्ड टू द कैपिटल स्टॉक एंड द वॉटर फ्लो फ्रॉम द टैप कैन बी कंपेयर्ड विद द इन्वेस्टमेंट. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो टैंक में ऑलरेडी हमारे पास जो वॉटर मौजूद है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर से देखो कहाँ गया. सिमिलरली वॉटर इन द टैंक, वॉटर इन द टैंक कैन बी कंपेयर्ड विथ कैपिटल स्टॉक. ठीक है, वॉटर इन द टैंक क्या, कैपिटल स्टॉक. और जो नल से पानी आ रहा है उसमें, जो क्या कर रहा है, उस वॉटर टैंक के वॉटर को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सिंपल हो गया. तो जो हमारे पास ऑलरेडी है वो क्या हो गया, कैपिटल स्टॉक. जो अपन ऐड कर रहे हैं उसी कैपिटल स्टॉक में, वो क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया. ठीक है, एक और एग्जांपल सपोज करो कि हमारे पास 100 मशीन है इकोनॉमी में जो मैक्सिमम 100,000 यूनिट ऑफ आउटपुट बना सकते हैं. हियर जो 100 मशीन है वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल स्टॉक. ठीक है, एंड 100,000 यूनिट ऑफ आउटपुट रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी. और 100,000 यूनिट जो अपन बना रहे हैं वो क्या है, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी. 100 मशीन क्या है, कैपिटल स्टॉक. और कैपेसिटी कितनी है, 100,000 यूनिट. अब मान लो इफ एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, इट हैज प्रोड्यूस न्यू मशीन. ठीक है, अगर हमको हमारा आउटपुट इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा मशीन बनानी पड़ेगी. प्रोड्यूसिंग न्यू मशीन इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ये जो न्यू मशीन अपन बनाएंगे क्या है, यही तो हमारा इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ मशीन है वो बढ़ जाएगी. आगे वही बता रहा है, इफ थ्रू आउट द ईयर 50 मशीन हैव बीन प्रोड्यूस देन दीज 50 मशीन विल बी द इन्वेस्टमेंट फॉर द इकोनॉमी और द इकोनॉमी कैन स्टार्ट प्रोडक्शन विद 150 मशीन एज अ न्यू कैपिटल स्टॉक इन द नेक्स्ट. ठीक है, यानी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग में वो कैपिटल स्टॉक हो गया, उसी को इंक्रीज करना क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया. अब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो भैया दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा, एक है रियल इन्वेस्टमेंट. रियल इन्वेस्टमेंट जब अपन कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल मशीन, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो कैपिटल टाइप के गुड्स होते हैं वो क्या हो गया, हमारा रियल इन्वेस्टमेंट. वेयर इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, द परचेजिंग ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ अ कंपनी. क्या, न्यू शेयर्स ऑफ अ कंपनी क्या हो गया, हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मशीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे या बिल्डिंग अपन बना रहे हैं, क्या हो गया, रियल इन्वेस्टमेंट. अगर हम किसी कंपनी के नए शेयर्स खरीद रहे हैं तो क्या हो गया, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सर अगर पुराने शेयर को फिर से खरीद लेंगे तो क्या वो पोर्टफोलियो के अंदर आएगा, नहीं आएगा. देखो नीचे नोट में भी देख रखा है मैंने, परचेजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट कैन नॉट इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी. ठीक है, एक शेयर होल्डर से आप शेयर खरीद लेते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई चीज इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस उसका क्या है, एक का नाम कट के अब दूसरे का नाम आ जाए, तो मेयर जो शेयर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है. ठीक है, कंपनी को उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है. समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या नहीं होता है. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे, इट इज द सेविंग दैट आर इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड, y इज इक्वल टू सी प्लस आई. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, y इज इक्वल टू सी प्लस आई. y मतलब क्या होता है, इनकम, c मतलब कंजम्पशन और i मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट. माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 ध्यान आ रहा होगा आपको, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, सेम चीज वहां पे अपन ने देख रखी थी क्लास 12th के अंदर में, वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं पूरा का पूरा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है. देख लो, वेयर y इज द नेशनल इनकम, मैंने बोला y मतलब इनकम, और आउटपुट c क्या है, कंजम्पशन डिमांड, एंड i इज इन्वेस्टमेंट डिमांड. The right hand side of the equation is aggregated demand and the left hand side of the equation is aggregate supply. Right side क्या है आपका, demand है, और left side क्या है, यहाँ पे आपका supply बता रहा है. Income ये left side हो गया, y ये क्या है अपना, supply. ये right side क्या हो गया अपना, demand. अब हमने already पढ़ रखा है कि equilibrium level पे aggregate demand is exactly equal to aggregate supply. Aggregate supply और national income can also be subdivided into two parts, that is consumption and saving. अब ये जो y है, y इसको थोड़ा सा रुक जाओ, मिटा देते हैं यहाँ पे, अगर मिट जाए तो नहीं मिट रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं. ये जो यहाँ पे y हमको दिख रहा है, y को अगर ब्रेक डाउन करना है तो y कैसे ब्रेक डाउन होगा, c प्लस s यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग. इनकम अगर मेरे पास है, अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो क्या करूंगा, 60 रुपए का मैं कुछ ना कुछ कमोडिटी कंज्यूम कर लूंगा, खा जाऊंगा, और 40 रुपए मैं सेव कर लूंगा. तो 60 और 40 क्या हो गया, 100 हो गया, जिसको मैं y बोल रहा था. तो y का इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन. तो अगर y को अभी ऊपर इक्वेशन अपन ने देखी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और मैं बोल रहा हूँ कि y मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू क्या, c प्लस i. ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये y को c प्लस s में ब्रेक कर दिया, और ये जो c प्लस i है ये तो c प्लस i यहाँ पे ही है. अब देखोगे क्या होगा, एक स्टेप अगर मैं आगे जाऊं तो ये c c को मैं कैंसिल कर दूं, इक्वल ही है दोनों, तो एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगी, दैट इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जो कि आगे यहाँ पे दिया हुआ है. ये देखो, C plus S is equal to C plus I और S is equal to I. तो लॉजिक अब आपको पता चल गया है कि ये वाली इक्वेशन से ये वाली कैसे आई और ये वाली कैसे आई. क्लियर है, हां जी सर. आगे, सो ओनली इन इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगा, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। बट देयर इज नो गारंटी दैट दीज टू शुड ऑलवेज बी इक्वल, दिस इज बिकॉज सेविंग्स आर मेड आउट ऑफ हाउसहोल्ड व्हाइल इन्वेस्टमेंट आर अंडरटेकन बाय बिजनेसमैन, देयर मोटिव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। नोट, इफ देयर इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन एस विल सेविंग्स विल नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर बार अपन वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि सेविंग्स कौन करते हैं? हाउसहोल्ड, हम आप जैसे लोग। इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? बिजनेसमैन लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। सेविंग्स ज्यादा हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट कभी ज्यादा हो सकती है, सेविंग्स कभी कम हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट हाँ, जब भी अपन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाएगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उसमें कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम काउंट नहीं करेंगे। अगर कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। कैसे? डोमेस्टिक वाले लोग भी जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन वाले भी जो है वो आके अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट बट ऑब्वियस ज्यादा हो जाएगी। और सेविंग कौन कर रहा है? डोमेस्टिक वाले। जो फॉरेन वाले सेविंग कर रहे हैं वो तो उनकी कंट्री में काउंट होगा, हमारी कंट्री में काउंट नहीं होगा। तो जब भी कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर डोमेस्टिक की बात करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो सकते हैं, ठीक है। आगे क्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है अपना नेट इन्वेस्टमेंट। तो बड़ा सिंपल है, क्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खत्म। अब बात है कि भैया सर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन आपको पता है किसी भी गुड्स की, एसेट की, कमोडिटी की वैल्यू में कमी आना, ठीक है, नॉर्मल यूसेज से, वियर एंड टीयर से, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर इज कॉल्ड क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक इकोनॉमी में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीगेट रूप में, उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक। तो स्टॉक क्या चीज का हो सकता है? स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दूसरा अपन इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? तो भैया फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिक्स्ड एसेट जैसे प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, शेयर्स एक्सेट्रा, इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन हटा दो, क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्योंकि ये जो अपन मशीन्स, बिल्डिंग वगैरह ले रहे हैं, इसकी वैल्यू में कमी तो आएगी, उस कमी को यहाँ पे हटा दो तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल। अगर ये अगेन, ये भी आपने क्लास ट्वेल्थ में अपने पढ़ रखा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अपन ने देखा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती है, इन्वेंट्री और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जितना भी साल भर में हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यानी क्या? कैपिटल स्टॉक को जो बढ़ा रहे हैं वो चीज। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेंट्री यानी स्टॉक, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी जो फिक्स्ड एसेट्स में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हो गया अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसी में से डेप्रिसिएशन हटा दो तो क्या बच जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। लाइकवाइज जो हमारा इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट आगे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्शन का टॉपिक, और इसके बाद हमारे पास दो तीन और टॉपिक है, कंजम्पशन, सेविंग, इनकम, कंज्यूमर सरप्लस, डिमांड फोरकास्टिंग। ये सारा अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना बहुत हो गया। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन खत्म कर रहे होंगे ये वाला स्टडी नोट, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।